तो ये अब छाप पड़ेगा उसमें, जो स्टफिंग होती है लोग यूजली वेजिटेबल का डालते हैं, इसमें भाई ने डाल दिया छाप वाला। सोया छाप वाला पिज्ज़ा रेडी हो गया। आप देख सकते हो यार इसका जो चीज़ है ना काफ़ी मेल्टिंग जैसा है। आप लोगों ने मुंबई में बहुत मशहूर दिल्ली का जो सोया छाप होता है वो आप लोगों ने खाया होगा, और सोया छाप तो दिल्ली से आया ये डिश आप सब जानते हैं। तो पर आज हम आपको बॉम्बे में एक ऐसी डिश दिखाने वाले हैं, वो है छाप पिज़्ज़ा। मतलब पिज़्ज़ा भी और छाप भी, मतलब ये कॉम्बिनेशन कभी नहीं ट्राई किया होगा आप लोगों ने। तो चलिए आज बॉम्बे फूडी डेज आपको दिल्ली सोया छाप के यहाँ पे आया, दिल्ली छाप हाउस में आया, और यहाँ पे आपको ट्राई करके दिखाएगा आपको क्या छाप पिज़्ज़ा। वो देख लो छाप पिज़्ज़ा है, तो ये कि सारे के सारे छाप है अपने यहाँ पे। अबे भाई कैसे पिज़्ज़ा बनाते हैं ये अपने को नहीं पता। तो चलिए अली भाई आप बनाओगे ना हमारे लिए? अभी अली भाई हमारे लिए बनाएंगे पिज़्ज़ा सोया छाप, राइट? तंदूरी छाप में बनाएंगे पिज़्ज़ा। हाँ इधर भी नहीं है, फर्स्ट टाइम लॉन्च कर रहे हो आप। तो सबसे पहले तो इन्होंने ये हमारे लिए तैयार कर रहे हैं, सबसे पहले तो इन्होंने देखो तंदूर हो जाएगा, तंदूर के लिए डालेंगे ये छाप लिया इन्होंने, छाप और कैप्सिकम लगाया था उसके ऊपर, और ये देखो अब इसमें डाल रहे हैं, और ये कोयले की भट्टी में पकेगा तंदूर में, देख लो आप क्या है। मतलब उसको कितनी देर तक रखा अंदर, मतलब आप देख सकते हो जो भट्टी है अंदर तंदूर वाली वो काफ़ी गर्म है, और इन्होंने अभी छाप निकाला है, मतलब दो मिनट में पक जाता है क्योंकि छाप हमेशा गर्म रहता है। और यहाँ पे रात को तो भाई बहुत सारे क्लाइंट आते रहते हैं उनको खाने के लिए, मोस्टली इनका सोया छाप फेमस है, छाप आपका बहुत फेमस है। और ये छाप आती है हमारी, अच्छा दिल्ली से आती है, छाप दिल्ली से आती है, तो मसाले में भी इन हाउस है। अच्छा हम ही बनाते हैं मसाले, पर ऐसे लगता है चिकन खा रहे, पर चिकन प्योर वेज है, ये चिकन नहीं है। अली भाई हैं आप, खाते हो नॉन वेज? नहीं, आप बना नॉन वेज खाते हो आप? नहीं, आप नॉन वेज ही नहीं खाते? प्रेफर नहीं करता मैं ज़्यादा। अच्छा, और लोगों को प्योर वेज खिलाते हो आप? सही है भाई, ये देख लो सोया छाप काट रहे भाई, फुल कांदा भी काट रहे हैं स्टाइल में। आप कितने सालों से बना काट रहे हो और कितने सालों से बना रहे हो? एक साल हुआ है मुझे, मेरा पहला होटल बांगर में था। अच्छा वहाँ से ग्रोथ हुई है यहाँ एक सेकंड ब्रांच। अरे बहुत अच्छी बात है, आपका और भी ग्रोथ होगा, ऐसे पूरे इंडिया में फैलते रहेगा, देख लेना वीडियो वायरल हो जाए जल्दी। जरूर जरूर कोशिश होगी, हमारे व्यूअर्स पे डिपेंड करता है, अगर व्यूअर्स चाहेंगे तो जरूर वायरल कर देंगे। आपके व्यूअर्स के लिए अलग स्पेशल डिस्काउंट रहेगा, हाँ जो आपका व्यूअर आएगा तो उनके लिए चाप पिज्ज़ा जो 149 का है वो 99 में हो। अच्छा ठीक है ठीक है, मतलब अगर आप ये बॉम्बे फूड डेज की वीडियो देख रहे हो और अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो ये 149 का पिज़्ज़ा आपको पड़ जाएगा 99 का। बस आपको क्या बोलने का है, मैं बॉम्बे फूडी टेल्स का व्यूअर हूँ, राइट? बॉम्बे फूडी टेल्स या फिर BFT। अभी इसमें देखो डाल दिया मैंने ये, ये भी छाप मिक्स कर रहे हैं, राइट? देखो जैसे छाप यहाँ पे तैयार हो गया और वहाँ पे भाई पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा का बेस है। मतलब ये हैवी डिश बनेगा, एक्साइटमेंट एक लेवल देख लो भाई की, दोनों लोग मिलके बना रहे एक पिज्ज़ा, दिस इज कॉल्ड हाई लेवल एक्सपेरिमेंट, दोनों लोग मिलके बना रहे एक पिज्ज़ा को। अभी भाई बोलते हैं नहीं मैं ही बनाएगा, तो ये अब छाप पड़ेगा, उसमें जो स्टफिंग होती है लोग यूजली वेजिटेबल का डालते हैं, इसमें भाई ने डाल दिया छाप वाला। तो ये चिकन पिज्ज़ा होता है? अच्छा चिकन का होता है पर ये भी वेज है, तो अगर जिसको अगर वेज वाले लोग चिकन खाना चाहे तो उन लोग ये आके ट्राई कर सकते हैं। स्पेशली बेसिकली आपको पनीर मिलेगा, वेजिटेबल्स मिलेगा, हाँ ये नहीं मिलेगा, चाप नहीं मिलेगा, ये सिर्फ अपने वहाँ मिलेगा। तो अभी हो गया ये, तो अब ये पकने तंदूर में, अच्छा ओवन में जाएगा ना, इसके ऊपर बहुत सारा पड़ेगा मोज़ेरेला चीज़। अपना सोया ये जो पिज़्ज़ा रेडी हो गया है, रेडी नहीं हुआ है अभी, ये जाएगा ओवन में, और ये ओवन देखो अंदर है, तो ये ओवन में गया, कितने देर तक पकेगा ये? दो से तीन मिनट पक जाएगा, हाई प्रेशर में डालेंगे, हाई टेम्परेचर में। सोया छाप वाला पिज़्ज़ा रेडी हो गया, आप देख सकते हो यार इसका जो चीज़ है ना काफ़ी मेल्टिंग जैसा है। तो देख लो अब भाई इसकी कटिंग करेंगे, देख सकते हो मेरे हाथ में है सोया छाप पिज़्ज़ा। मतलब पिज़्ज़ा आप लोगों ने बहुत खाए होंगे, बहुत तरह के खाए होंगे, डोमिनोज पिज़्ज़ा और मोमोज पिज़्ज़ा तक भी खाया है आपने, बट ये वाला पिज़्ज़ा मेरे हिसाब से तो कहीं नहीं खाया होगा बॉम्बे में, मेरे हिसाब से तो वो हम फर्स्ट टाइम है जो हम दिखा रहे हैं आपको। और अगर आपको ट्राई करना है, पहले तो मैं ट्राई करता हूँ फिर बताता हूँ आगे का क्या सीन है।
तो ये देख लो चीज़ तो इसमें ऑलरेडी डाल के रखा है। और ये जो ऊपर जो पार्ट है ना, ऐसे लग रहा है आपको चिकन है, पर चिकन नहीं है, ये सोया चाप है। लेट्स टेस्ट। टेस्टी, ऐसा लग रहा है चिकन है, बट भाई चिकन का मुझे टेस्ट पता ही नहीं, क्योंकि मैंने आज तक चिकन खाया नहीं है। तो इट्स सोया चाप है। और ये वाला पिज्ज़ा मैंने लगता है लाइफ में फर्स्ट टाइम ट्राई किया। मैंने बहुत सारे पिज्ज़ा ट्राई किए, मोमोज ट्राई किया, चीज़ पुल ट्राई किया, बहुत सारे, पर ये मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। और जो दिल्ली वाले जो सोया चाप होते हैं ना, वो ऑथेंटिक टेस्ट इसमें है, जैसे कि उन्होंने बताया कि इनका जो चाप होता है ना, दिल्ली से आता है। तो अगर आपको ऑथेंटिक दिल्ली वाला सोया चाप ट्राई करना हो तो दिल्ली चाप, इनके दो आउटलेट है, बहेंदर में और दूसरा है कांदिवली में, यहाँ पे आप आके विजिट कर सकते हो। मैं एड्रेस मेंशन कर दूंगा। और आपको ये वीडियो अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों का शेयर कीजिए, और यह समय फॉलो कीजिए एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।